So welcome back to another session of Sell the Unit of Life. My name is Jay and चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा लेक्चर कोशिका जीवन की इकाई के ऊपर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर. तीसरे लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के एक बेसिक ओवरव्यू को देखा था. हमने एक नॉर्मल जनरलाइज्ड सेल प्रोकैरियोटिक सेल का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था. वो भी एक तो इमेज वाला तो अलग देखे थे और हमने हाथ से भी बनाया था, ठीक है. तब अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मॉडिफिकेशन यानी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन यानी कोशिका की जो भित्ति है और उनके जो रूपांतरण है उसके बारे में हम अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या हिंदी इंग्लिश माध्यम से हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. जिन चीज़ों को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, जितने सारे नोट्स जो भी आपके स्क्रीन में जो लिखे गए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से उठा, ठीक है. बेसिकली हमको एनसीईआरटी ही लेके चलना है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी का ही आएगा और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को हमको समझते चलना है, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन यानी कोशिका भित्ति एवं उसके रूपांतरण को हमको पढ़ना है. तो हमको पता है कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. यानी ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में और विशेषकर एक बैक्टीरियल सेल में, एक बैक्टीरिया की कोशिका में केमिकल जो उनका सेल वॉल होता है, जो उनका बोलना चाहिए कोशिका भित्ति होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. वो एक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यानी एक जटिल संरचना है ना. सो इट इज कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. ओके, सेल सेकेंड लाइन बोलता है कि सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर. दी आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक बैक्टीरियल सेल की किसकी एक बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी एक बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी एक मिनट एक बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ये आपका हो गया, ये इसका ग्लाइकोकैलिक्स है. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, है ना. ये बैक्टीरिया कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति हो गई. इसके बाद आता है सेल एनवेलप आएगा. इसके बाद क्या आएगा? सेल एनवेलप आएगा. ये आपका सेल एनवेलप हो गया. सेल एनवेलप, ठीक है, ये मिडिल लेयर सेल एनवेलप है. और जो इनर लेयर है आपका, जो इनर लेयर है, ये जो इनर लेयर है ये आपका क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन है. क्या है ये? आपका सेल मेम्ब्रेन. तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहरी परत है ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद जो सेकेंड लेयर है ये आपका सेल वॉल हो गया. सेल क्या है? ये सेल वॉल हो गया जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है. बैक्टीरियल सेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. और जो जो इनर मेम्ब्रेन है, सबसे इनर लेयर है, सॉरी, जो इनर मेम्ब्रेन है उसको आप क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. ओके, एक मिनट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर से भी आप क्लियरली समझ सकते हैं, ये जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर लिखा है ये एक्चुअल में ग्लाइकोकैलिक्स है ना. मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी कंडीशन में, पहले ही बता चुका हूँ एक बार और, लेकिन एक बार और बता दूंगा कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलेंगे. ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलेंगे, और अगर ये फ्लैक्सीबल है, प्लाइएबल है और लचीला है तो इसको अपन स्लाइम लेयर बोलेंगे. फिर ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरियल सेल का, उसके बाद सेल वॉल है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये तीनों के तीनों लेयर एक प्रोटेक्शन यूनिट की तरह कार्य करते हैं, एक सुरक्षात्मक इकाई की तरह बैक्टीरियल सेल में काम करेंगे, ठीक है. ठीक है, पहले हमने बैक्टीरियल सेल के बेसिक ओवरव्यू को हमने देख चुका है, ठीक है. तो हमको समझ में आ गया कि ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर उसके बाद सेल वॉल है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. तीनों के तीनों एक बैक्टीरियल सेल के सुरक्षात्मक इकाई यानी एक प्रोटेक्शन यूनिट की तरह ये क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल के लिए. ओके, समझ में आए? अब आगे बढ़ते हैं. ऑल थ्रू ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म
डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टूगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। यानी ये सब मिलकर हर एक लेयर का विशिष्ट कार्य है, लेकिन हर एक परत का एक विशिष्ट कार्य है, लेकिन ये तीनों परत एक 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 सुरक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एक सुरक्षात्मक इकाई के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करेंगे। सुरक्षात्मक इकाई के रूप में क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये एक सुरक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं आप, अगेन आपको शायद सेकेंड लेक्चर में ये डायग्राम अगेन देखने मिला था, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का एनिमेशन है, और ये ओरिजिनल प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाएं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो बैक्टीरियल सेल है बेटा, है ना, जो एक मिनट में आपको ना इसके आगे लिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि द टेक्निक प्रपोज। हाँ एक मिनट ना, अपन स्लाइड बना लेते हैं, स्लाइड बना लेते हैं, तो एक और स्लाइड को ऊपर ला लेते हैं। यहाँ पर सेकंड के बाद हमको दो स्लाइड चाहिए, इसके बाद भी एक स्लाइड चाहिए, ओके, और इसके इसके बाद भी एक स्लाइड चाहिए। चलिए ठीक है, स्लाइड से ऊपर देते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था उसका? नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल सेल को, किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल सेल को यानी बैक्टीरिया की कोशिका को दो भागों में विभाजित किया था, दो टाइप में बांटा था। इन्होंने टू टाइप में बैक्टीरियल सेल को बांटा था। एक को इन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, एक को इन्होंने बोला, इधर लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक को उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, एक को उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और एक को बोला उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोला? एक को बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब खास बात क्या है, क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहली बात बांटा तो ठीक है ना, क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल सेल को दो दो टाइप में, दो टाइप में क्या किया, डिवाइड किया, दो टाइप में यानी दो प्रकार में विभाजित किया। एक वो जिनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, एक वो जिनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और दूसरे वो जिनको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। एक वो जिनको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, एक वो जिनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और एक वो जिनको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिश्चियन ग्राम थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरियल सेल को इनके सेल वॉल, इनके क्या, इनके सेल वॉल यानी सेल एनवेलप, सेल वॉल के नेचर के बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया था। नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया था, क्या किया था, नेचर के बेसिस पर क्या किया था, इनको दो पार्ट में बांटा था, ओके। दो पार्ट में क्या किया था, इन्होंने बांटा था, ओके। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया लिख लेंगे, यहाँ पर भी बैक्टीरिया लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो एक ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव हो, और एक ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? एक मिनट में, यहाँ पास एक मेरा नोट्स रखा हुआ है जिसको मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। अब जो क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ और नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरियल सेल को उनके सेल वॉल के बेसिस पर बांटा था। उन्होंने क्रिस्टल वायोलेट, एक डाई होता है ना, पर्पल कलर का, क्रिस्टल वायोलेट बोलते हैं इसको, क्रिस्टल वायोलेट, और क्रिस्टल वायोलेट, क्रिस्टल वायोलेट, और बोलना चाहिए आयोडीन का सॉल्यूशन होता है ना, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। ये एक्चुअल में एक बोलना चाहिए पर्पलिस स्टेन होता है, एक डाई होता है, क्या होता है, ये एक डाई होता है, डाई कलर करते हैं ना, कलर, हाँ। तो ये एक्चुअल में ये जो डाई है, ये जो डाई है ना, ये जो डाई है, ये क्रिस्टल वायोलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। तो जब क्रिस्टल वायोलेट और आयोडीन के सॉल्यूशन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डालते हैं, जब इस सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, ये जो डाई बना हुआ है जिसमें क्रिस्टल क्रिस्टल वायोलेट है और आयोडीन का सॉल्यूशन में जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डालते हैं, सबसे पहली बात कि पहचानेंगे कैसे सर? तो
उन्होंने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बेस क्या दिया कि ऐसे बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो जिनके ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल इस सॉल्यूशन में डुबाने पर, है ना, इस बेसिक डाई में डुबाने पर, बेसिक डाई में बोलने पर, डुबाने पर या स्टेन करने पर ऐसे बैक्टीरिया जिन जिनको जिनको ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल ऐसे बैक्टीरिया जिनको बेसिक डाई पर स्टेन करने पर, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो जो उसको ऐसा लिखते हैं, और ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज ये होगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो जो इस बेसिक डाई के सॉल्यूशन में जो कि क्रिस्टल वायोलेट जो कि पर्पल कलर का है, आयोडीन के सॉल्यूशन में जब उनको स्टेन किया जाता है ना, जब उनको डुबाया जाता है, तो उनका जो सेल वॉल है बेसिक डाई में उनका सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया कलर, है ना, कलर पकड़ लेते हैं या कलर हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं या सीधी सीधी बात स्टेन हो जाते हैं, यानी रंगीन हो जाते हैं। मतलब ये स्टेन कौन से कलर का होगा, ये स्टेन होता है बेटा पर्पल कलर का, कौन से कलर का होगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल बेसिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको बेसिक डाई जो कि क्रिस्टल वायोलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन है, जिसमें डुबाने पर जिनके जो इसको बेसिक डाई बोलेंगे एक साथ, जिसमें डुबाने पर वो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो स्टेन हो जाता है पर्पल कलर का, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, है ना, स्टेन हो जाता है पर्पल कलर का, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। और जो नहीं होते, है ना, जो स्टेन नहीं होते, जो स्टेन यानी रंगीन नहीं होते, जो स्टेन नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे, है ना, जो कि नॉर्मल आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे, जो कि आपको नॉर्मल पिंक कलर के दिखाई देंगे। खास बात क्या कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो मोटा होता है ना, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है बेटा, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्या होता है, थिक होता है, क्या होता है, थिक होता है यानी मोटा होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल बोल रहा हूँ ना, दिस इज सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो कलर पकड़ रहा है ना पर्पल कलर, और जो नहीं पकड़ पा रहा है रंग, वो एक्चुअल में उसका सेल वॉल ही कलर को स्टेन कर रहा है, सेल वॉल ही जो कलर है उसको क्या कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। इसलिए हम जो ग्रहण कर ले रहा है, जो स्टेन हो जा रहा है जिसका सेल वॉल, उसको हम ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं हो पा रहा उसको ग्राम नेगेटिव, जो कि आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है, कंपेरेटिवली थीन है बेटा, कंपेरेटिवली थीन है यानी पतला है, क्या है, पतला है, ठीक है। इसका अगर सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल में इसका जो कंपोजिशन आता है, बैक्टीरियल सेल का कंपोजिशन आता है, तो इसमें 70 to 80% लिखना चाहिए, 80% लिख सकते हैं अपन, 80% इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है, किसका बना है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है, 80% पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, ठीक है। ये वैल्यूज मैं आपको दे देता हूँ, 1 से 2% लिपिड, 1 से 2% लिपिड, और ये जो लिखा है ये है आपका, क्या लिखा है, टाइकोनिक एसिड, है ना, टाइकोनिक एसिड कितना है, ये आपका टाइकोनिक एसिड का परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन मे बी ये भी लगभग 0.5 से 1% के करीब टाइकोनिक एसिड होगा, ओके, ठीक है। तो थिक मोटा किसके कारण है, मोस्ट ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है, जनरली आपको लिखा चुका हूँ ना पहले ही, इस लाइन को आप याद रखें, इसको मैं रेड पेन में लिख देता हूँ, कि जो इसको स्टार पॉइंट डाल के लिख दिए, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा,
बैक्टीरियल सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल आपका पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाई दो ग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे सब लोग? आ रहा है क्लियर? क्लियरली आ रहा है? ठीक है, तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, इसका कंपोजिशन तो समझ में आ गया कि इसका 80% हिस्सा पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना है, इसका सेल वॉल 1 से 2% लिपिड है और टाइकोनिक एसिड है जिसका परसेंटेज अभी क्लियरली हमको मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ये कंपेरेटिवली इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है वो पतला होता है ना, इसका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर थिक ज़्यादा है, इसलिए इसकी पहचान है कि जिसके पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है, जिसका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है वो ज़्यादा मोटा होगा, जिसका सेल वॉल ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा थिक होगा, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। जनरल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो बोलना चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, वो केवल 60% हिस्सा ही पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। 60% हिस्सा ही आपका क्या का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। यस और नो? 60% हिस्सा ही पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। प्लस इसमें भी आपका, इसमें लिपिड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, 11 से 11 से 22% क्या होता है इसमें लिपिड होता है, इसमें लिपिड का हिस्सा ज़्यादा होता है, ध्यान देंगे। और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, और ये बेसिकली ये जो लिपिड होता है एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड होता है जनरली, है ना, और अलग से अपन क्या लिख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो आप एक एक वैल्यू याद रख, एक चीज़ और याद रखेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन काम की चीज़ें हैं, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है ना एक्चुअल में, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या है ये बैक्टीरिया, किसने बांटा था? क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको बेसिक डाई में डुबाने पर या बेसिक डाई में स्टेन करने पर वो पर्पल कलर को ग्रहण कर लेते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, तो उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं होते वो नॉर्मल पिंक कलर के दिखाई देंगे, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो मोटा होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पतला होगा। मोटा होने का कारण क्या है? 80% इसमें पेप्टाइडो ग्लाइकॉन होता है, इसका जो सेल वॉल है 80% पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना हुआ है, जबकि ग्राम नेगेटिव 60% पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना हुआ है। 1 से 2% इसमें लिपिड होगा और टाइकोनिक एसिड होगा, और इसमें 11 से 22% लिपिड होगा और फॉस्फोलिपिड उपस्थित होगा। तो ये है, क्रिश्चियन ग्राम ने प्रोकैरियोटिक सेल के यानी बैक्टीरियल सेल को 2 भागों में बांटा था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब कुछ और खास बातें कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में चलते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पास और किनारे में ही बताता हूँ कि ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऐसे सॉरी ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर ही आपको आपको ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर देखने को मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर, है ना, सेल वॉल के बाहर ही आपको क्या देखने मिलेगा? ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेगा, यानी ग्लाइकोकैलिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाई जाएगी। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी हम जब स्लाइम लेयर और कैप्सूल लेयर की जब हम बात करते हैं, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का ही एक मॉडिफिकेशन है, जिसका ग्लाइकोकैलिक्स का ही नाम है, तो ये और केवल हम किसके लिए बोलना चाह रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो वही बात को मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, दिस टेक्निक वॉज प्रपोज बाय द क्रिश्चियन ग्राम, डिस्टिंगनाइज बाय द 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस ऑफ देयर सेल वॉल। पहले बता चुका हूँ, सेल वॉल के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, बेसिस पर, क्या मोटाई, उसका कंपोजिशन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन के बेसिस पर हमने बांटा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायोलेट डाई,
ठीक है, यानी ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो मतलब क्रिस्टल वायलेट कलर को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, विच इज बिकॉज ऑफ देयर थिक लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन, अभी बताया, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो मोटी है, इसलिए वो क्या करता है क्रिस्टल वायलेट को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, दिस प्रपोज डिस्टिंगनाइज बाय द बैक्टीरिया बाय द आइडेंटिफाइंग द पेप्टाइडोग्लाइकॉन दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज डिजॉल्व इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व्हेन अल्कोहल इज एडेड। समझ पा रहे हैं? तो जब पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर मोटा है तो हम उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जब पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर पतला है तो हम उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, है ना। जब हम उसको उसको जब अल्कोहल में एडिट करते हैं तो हम अल्कोहल भी मिलाते हैं कुछ हद तक, तो उसका जो कलर है वो बोलना चाहिए, उसका जो सेल वॉल है वो कलर स्टेन नहीं कर पाता है ना, क्रिस्टल वायलेट जो कलर है जो बेसिक डाई बनाता वो कलर को ग्रहण नहीं कर पाता है। एक्चुअल में वो बेसिक डाई किसका किसका बना होता है, क्रिस्टल वायोलेट एंड आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, क्रिस्टल वायोलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन होगा। यस और नो, समझ पा रहे हैं? तो देख ली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, आप देख सकते हो सिंपल से इसका जो कॉलोनी आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बेसिकली ये ओरिजिनल व्यू है ना, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ सकते हैं? ओके ओके, समझ पाए? ठीक है, आप एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एक्चुअली में ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, ये बस आपके एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप बायो वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ द सेल एनवेलप एंड मैनर टू विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोड्यूसेस डेवलप्ड बाय द ग्राम विया। तो बैक्टीरिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, उनके सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल एनवेलप के बेसिस पर, और किस मैनर पर हम उनको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, किस आधार पर, उनके उनके स्टेनिंग होने पर, कि वो क्या कलर ग्रहण कर ले रहे हैं या फिर कलर ग्रहण नहीं कर पा रहे, स्टेन हो जा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन हो जाएंगे वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, जिसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और ऐसे जो स्टेन नहीं हो पाएंगे जो कि नॉर्मल पिंक कलर के दिखाएंगे उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। हाँ यार, ठीक है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर दैट डू नॉट कॉल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो स्टेन नहीं हो पाएंगे उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर का हमको दिखाई देगा। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? ओके, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सर आपने एक चीज पहले ही बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और लेयर, सेल वॉल के बाहर यानी आउटर साइड में एक और लेयर, सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है, एक और लेयर है ना, अनदर लेयर आउटसाइड टू द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ओके, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब केवल केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अब ग्लाइकोकैलिक्स को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स जो कि टफ होंगे, ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स जो टफ है यानी कठोर है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के ऐसे लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल बोलते हैं। और ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर, वो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो बोलना चाहिए जो फ्लेक्सिबल है यानी जो लचीला है ना, जो लचीला है, उस ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। देख लो, स्लिम स्लिम है ना, समझ पा रहे, स्लाइम लेयर है ना, जो पतला है, स्लिम है, फ्लेक्सिबल है,
है ना, लचीला है, ऐसे ग्लाइकोकैलिस के लेयर को स्लाइम लेयर बोलेंगे, और ऐसा जो कि बहुत टफ है, कठोर है, रिजिड है, उसको हम कैप्सूल लेयर बोलेंगे। आगे यही बात एनसीईआरटी लिखता है, इट कुड बी लूज शीथ, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज शीथ भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे, इन सम वाइल द अदर मे बी थिक एंड टफ, और कुछ में ये जो शीत है, जो बाहर की जो परत है, वो क्या हो सकती है, ये लूज भी हो सकती है यानी लचीला भी हो सकती है, और थिक यानी मोटा और कठोर भी हो सकती है, तब हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। किसका बात कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को दो भागों में, अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं फर्दर। ओके, दिस सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। ठीक है, तो जो सेल वॉल है बेटा, ये सेल को क्या करता है, ये सेल के शेप को यानी कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, और कोशिका को क्या देगा, एक बोलना चाहिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, तो संरचनात्मक सहारा देता है। कौन देगा बेटा, आपका बैक्टीरियल सेल, जो आपका सेल वॉल है वो सपोर्ट देता है। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, आया ना, एक मिनट ना। समझ पा रहे हैं ना, तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये ब्रस्टिंग यानी फटना, फटना फटना समझ, ब्लास्ट होना उसको बोलते हैं ब्रस्टिंग, और कोलैप्सिंग यानी सिकुड़ जाना, ब्रस्टिंग और कोलैप्स, एक्चुअल में ये दोनों एक ही वर्ड है। मैं आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से बताऊँ कि ये ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग शायद एक ही वर्ड है मेरे ख्याल से, है ना। ब्रस्ट यानी तो यही होता है शायद, बहुत तेजी से सिकुड़ जाना, और कोलैप्सिंग यानी भी सिकुड़ जाना मेरे ख्याल से। ब्रस्टिंग यानी फटना होता है, कोलैप्सिंग यानी सिकुड़ जाना होता है, तो ये सिकुड़ने और ब्रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डाउट होगा तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि ब्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, वो क्या लरी में जाके। ओके, चलिए स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। समझ पा, यही ये लाइन शायद बाद में आए, ये लाइन पहले आना था। तो ग्लाइकोकैलिक्स को उनके कंपोजिशन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्सूल लेयर। समझ पाए कि नहीं समझ, पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दी दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंट्रैक्ट्स विद दी आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेमी परमिएबल है, यानी कुछ ही सब्सटेंस को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या आर पार जाने देगा, ट्रांसपोर्ट होने देगा, हर प्रकार के सब्सटेंस, हर प्रकार के मॉलिक्यूल को से, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बोलना चाहिए, हर प्रकार के पार्टिकल्स के लिए ये परमिएबल नहीं है, ये सेमी परमिएबल, कुल गिने चुने यानी चयनात्मक पारगम्य है, कुछ गिने चुने कणों के लिए ही, अणुओं के लिए ही ये क्या करेगा, उनको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, हाँ या ना। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन संसार के बाहरी संपर्क में होता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकेरियोटिक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी जो कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है यूकैरियोटिक कोशिका की, वही प्रोकैरियोटिक कोशिका की भी कोशिका की संरचना सेम होती है, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता, जिसको हम आगे यूकैरियोटिक सेल में जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज दी मीजोजोम विच फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है, वो अंदर की ओर एक अंतर्वलन बनाती है, एक नियर फोल्ड बनाती है, जिसको मीजोसोम बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, यानी उसके बाहर निकले, अंदर की ओर निकले हुए इनफोल्डिंग्स है, यानी अंतर्वलन है, आया ना। दिस एक्सटेंशन आर नॉट फॉर्म दिस दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म बाय वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमेली। ठीक है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर अगर ये जो सेल वॉल है, ये ऐसा है ना, ऐसा है, लैमेली फॉर्म में है, ध्यान, एक मिनट ना, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर ये जो सेल वॉल है, ये आपको ऐसे दिख रहे हैं,
सॉरी सेल वॉल नहीं भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो आपको रॉड रॉड टाइप का छोटा सा है ना, रॉड टाइप लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में ये मीजोजोम्स है। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, अंदर इनफोल्ड हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्डिंग्स बना रहा है, और इन इनफोल्डिंग्स का अलग अलग शेप है। ये लैमेली शेप में है, दिस इज लैमेली शेप, इसी को लैमेली शेप बोलते हैं। हाँ या ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, लैमेली शेप बोल रहा है। जो ट्यूब लाइक है इसको बोलता है ये ट्यूब्यूल्स बोलता है, ट्यूब्यूल्स बोलता है। और जो वेसिकल्स लाइक है ना, ये जो वेसिकल्स लाइक दिख रहे हैं इसको वेसिकल ही बोलेंगे। सो क्या बोलेगा, वेसिकल्स बोल रहा बेटा। हाँ या ना, समझ पा रहे? तो ये सब के सब लैमिली ट्यूब्यूलर और जो वेसिकल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स, और इन इनर फोल्डिंग्स का स्पेशल नाम है बेटा आपका मीजोजोम। आप एनसीईआरटी साथ रखे, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन में चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म वेसिकल्स ट्यूब्यूल एंड लैमिन, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसके जो एक्सटेंशन है, जो इसके अंतर्वलन है, वो वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स और लैमेली फॉर्म में हो सकते हैं। समझ में आए? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। ध्यान देंगे कि ये जो मीजोजोम है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर फोल्डिंग्स है, ये क्या क्या आप में हेल्प करते हैं। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ये अगर डीएनए है तो डीएनए अपने ही समान, अगर ये डीएनए ए है तो ये अपने ही समान एग्जैक्ट डीएनए कॉपी ए बना लेता है, तो ये कहलाएगा डीएनए से डीएनए का बनना, कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति का निर्माण, यानी सेल वॉल का बनना। आया ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल यानी जब दो सेल है बेटा, दो सेल क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। एक मिनट ना, देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर खसकता जा रहा है ना, ये खसकता जा रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये इतने खसक चुके होंगे, इतने कोलैप्स हो चुके होंगे बीच से, कि थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सेल का डिवीजन हो जा रहा है ना। तो इसी को बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, यानी कुछ और नहीं, ये बोलना चाह रहा है कोशिका विभाजन, है ना। ये क्या बोलना चाह रहा है, सेल डिवीजन की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है, ये सेल डिवीजन की बात कर रहा है। यस और नो, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना, समझ पा रहे हैं? तो कोशिका भित्ति, ये सॉरी जो कोशिका झिल्ली है, एक मिनट इधर कुछ लिखे तो नहीं है ना, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पास, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आता कि वहाँ पास मैं भी हूँ, तो वहाँ पास ना लिखूँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ पास हूँ और वहाँ पास लिख दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। समझ में आया? तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया सर, कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या क्या चीज़ में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जिसका मॉडिफिकेशन है, जिसको बोल, अरे यहाँ पास नहीं लिखते, यहाँ पास मैं ही हूँ, मैं भूल गया था, है ना। मैं आगे आगे नेक्स्ट पेज लिख सकता हूँ, यहाँ पास लिख देते हैं। जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मीजोजोम है सर, जो मॉडिफिकेशन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन है, क्या मॉडिफिकेशन, जो मीजोजोम है, वो क्या क्या हमें हेल्प कर रहा है बेटा, क्या क्या हमें हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति के निर्माण में, है ना, कोशिका भित्ति के निर्माण में, यानी कोशिका भित्ति के फॉर्मेशन में, सेल वॉल के क्या में कर रहा है, फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। आया ना? दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी डीएनए प्रतिक्रिया में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। तीसरा सेल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन में, यस और नो। तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी कौन, जो मीजोजोम है, ये सहायता करेगा। कुल मिला के मीजोजोम है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया ना, समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे बेटा, क्लियरली? ओके, आगे बढ़ जाए ना। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला लाइन लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, यानी जो मीजोजोम है ना, ये यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करेगा। इस मीजोजोम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो जो फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे और उस यूकैरियोटिक सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो
दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस यानी स्त्रावण टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दी एंजाइमेटिक कंटेंट। यानी ये सेल के रेस्पिरेशन यानी श्वसन सिक्रीशन प्रोसेस यानी स्त्रावण की प्रक्रिया और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया यानी पृष्ठ सतह को बढ़ाकर ये क्या करेंगे, एंजाइमेटिक क्रियाओं को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, यानी एंजाइम की प्रक्रियाओं को ही प्रेरित करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे, एंजाइमेटिक प्रोसेस को क्या करेंगे, ये कैटालाइज्ड करेंगे, समझ पा रहे हो, इंड्यूस करेंगे, है ना, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक अ साइनोबैक्टीरिया दे आर अनदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन टू द सेल साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेनिंग पिगमेंट्स, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और भी बोलना चाहिए एक्सटेंशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि स्पेशली आप साइनोबैक्टीरिया में देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और ये क्रोमैटोफोर्स क्या हेल्प करेंगे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी प्रकाश सिंथेटिक बैक्टीरिया यानी प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया, बेटा कौन, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया है, ये इनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर्स पाया जाए। तो क्रोमेटोफोर्स कुछ और नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के यानी बहुत सारे टाइप के क्या मिलेंगे आपको, पिगमेंट्स मिलेंगे यानी वर्णक मिलेंगे। हाँ या ना, यही बात एनसीईआरटी आपका लिखना चाहता है और ये समझाना चाहता है। ये पिगमेंट्स में वो कैपेबिलिटी होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप करके उस सनलाइट की एनर्जी से ये क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाएंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया बोल रहे हैं, फोटो का यूज करके ये फूड का सिंथेसिस करेंगे। यस और नो, क्लियर है मेंशन, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्लियरली आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ना एनिमेशन, ठीक, चलिए चलिए। सो अब अगेन आगे वाला जो लाइन है, बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फॉर्म देयर सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैजेला, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट, फिलामेंट, हुक, बेसल, बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, ठीक है। यानी बोलना चाह रहा है कि बैक्टीरिया को और दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक चलायमान बैक्टीरिया और एक अचलायमान बैक्टीरिया यानी अगतिशील बैक्टीरिया, है ना। ऐसे बैक्टीरिया यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया हम इसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया मोटाइल यानी जो जो क्या करेंगे, मोटाइल होंगे, है ना, जिन जो क्या कर सकते हैं, बोलना चाहिए मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, मोशन कर सकते हैं, समझ पा रहे, आ रहे या नहीं आ रहा, तो जो मोशन कर सकते हैं, बोलना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वो सब के सब मोटाइल बैक्टीरिया होगा। ऐसे बैक्टीरिया, तो मोटाइल बैक्टीरिया एक्चुअल में है क्या, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला इसमें बोलता है कि ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, अगर रियलिटी बताऊं तो ये सेल वॉल का एक्सटेंशन ना होकर बोलना चाहिए ये आपका उसका एक्सटेंशन होता है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी जो बोलता है उसको अभी मान लो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है वो सारे के सारे मोटाइल बैक्टीरिया होंगे। ये क्या करेंगे, ये फ्रीली मूवेबल होंगे, समझ पा रही, ये स्वतंत्र रूप से गतिशील होंगे यानी ये पानी में तैर पाएंगे। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा उनको नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोल जाएंगे यानी अचलायमान कोशिका बोलेंगे, अचलायमान बैक्टीरियल कोशिका बोलेंगे। हाँ या ना, बैक्टीरिया शो रेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड देयर फ्लैजिला, यानी बैक्टीरिया में बहुत से विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट, विभिन्न प्रकार के अभिविन्यास में फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं। एक बैक्टीरियल से असंख्य तो होते नहीं है, गिना जा सकता है बट गिनते नहीं है जनरली क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसलिए। हाँ या ना,
बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कंपोज ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. ठीक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बना बना के दिखाऊं, ठीक है, बना के अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमारा बेटा, ये आपका हो गया, कहाँ गया, हाइलाइटर. ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका, मान के चलिए ये आपका सेल वॉल. क्या है ये आपका? सेल वॉल है. सेल वॉल के अंदर में ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल के अंदर में क्या है आपका? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सबसे आउटर साइड में क्या है आपका? ग्लाइको कैलिक्स है. क्या है आपका? सबसे आउटर साइड में ग्लाइको कैलिक्स है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फ्लैजिला है, ध्यान देंगे, जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें फ्लैजिला पाया जाएगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. हाँ या ना? तो बैक्टीरिया फ्लैजिला के एक्चुअल में तीन भाग होते हैं, यानी कशाभिका के तीन भाग होते हैं. ठीक है, तीन भाग में एक है फिलामेंटस, हुक एंड बेसल बॉडी. जो जो बेसल बॉडी है वो उसका एक हिस्सा आपका बोलना चाहिए, उसका जो एक हिस्सा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और एक हिस्सा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा होगा. एक हिस्सा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा होगा, और बाहर एक एक और संरचना होगी, तो जो थोड़ी सी मोटी होगी, एक और स्ट्रक्चर होगी जो थोड़ी सी मोटी होगी. आया ना? इस स्ट्रक्चर को अलग कलर में बना देता हूँ मैं. आया ना? ये देखिए. ठीक है, और जो इसका जो निकला हुआ भाग है, जो इसका निकला हुआ भाग है, ये इसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. तो ये फ्लैजिला के तीन पार्ट है. वो पार्ट जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका आधा हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल में है, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा, इस हिस्से को बोलते हैं इसका, ये इसका क्या है? बेसल बॉडी है. क्या है ये इसका? बेसल बॉडी है. ये क्या है इसका? बेसल बॉडी है. वो स्ट्रक्चर जो जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर है, जो थोड़ा सा रिजिड है ना, जो क्या करेगा, सपोर्ट दे रहा है फिलामेंट को, फ्लैजिला के फिलामेंट को, इसको बोलते हैं बेटा हुक. इसको क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं. और वो स्ट्रक्चर जो बड़ा निकला हुआ भाग है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे फिलामेंट. बोलेंगे क्या? बोलेंगे फिलामेंट. हाँ या ना? तो सबसे पहला पार्ट बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट हुक, और तीसरा फिलामेंट. ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, देख लीजिए, ये वाला वो वाला भाग जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो धंसा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसल अपरेटस या बेसल बॉडी बोलेंगे. बेसल अपरेटस या बेसल बॉडी बोलेंगे. वो हिस्सा जो जस्ट सेल वॉल के बाहर है, जो बोलना चाहिए फिलामेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या करने के लिए? मूवमेंट के लिए, है ना? तो वो कौन है? हुक है. और वो जो एक्सटेंशन, जो निकला हुआ भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे. क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिलामेंट की संख्या बहुत सारी भी हो सकती है, एक दो, और बहुत ज्यादा संख्या में भी फिलामेंट पाए जा सकते हैं. ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे बढ़े. ये देख लो, ये देख लो, ये फ्लैजिला, ये निकला हुआ भाग, ये एक्चुअल में जो फ्लैजिला का निकला हुआ भाग है, ये फिलामेंट है. जस्ट यहाँ पास वाला जो पोर्शन होता है, ये इसका क्या होता है? हुक वाला रीजन होता है. ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. और जो इसके अंदर जो धंसा हुआ भाग है, वो क्या है? इसका बेसल बॉडी होगा. आया ना? समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अब इसके अलावा फ्लैजिला के अलावा भी कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेल सेल के आउटसाइड में पाए जाते हैं, है ना, सेल के बाहर निकले हुए होते हैं. ठीक है, बिसाइड द फ्लैजिला, पिली एंड फेमरी. पिली या पिलाई बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? पिला या पिली. पिली एंड फेमरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स आर द बैक्टीरिया, बट
डू नॉट प्ले द रोल ऑफ मोर्टेलिटी, यानी ये गतिशीलता है ना, बैक्टीरिया को गतिशीलता यानी मूवमेंट में किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो, जो आपका पिलाई है और जो फिमरी है वो बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार के गति में सहायता नहीं करेंगे। गति यानी समझ गए, मोशन, समझ पा रहे, तैरने में आया ना, ठीक है। दी पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, दे मेड अप ऑफ स्पाइक प्रोटीन। ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा वर्ड है, कि जो पिलाई है बेटा या पिली है ना, ये क्या है, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, स्पेशल प्रोटीन से, सॉरी कहाँ है स्पाइक प्रोटीन लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पाइक प्रोटीन नहीं है वो, स्पेशल प्रोटीन है ना, स्पाइक प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पाइक प्रोटीन नहीं पाया जाता ना, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, ठीक है। तो जो पिलाई है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बने हुए हैं। द फिमरी आर ऑल्सो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल यानी ब्रश जैसा है ना, ब्रश खाते हो ना, ब्रश के ब्रिस्टल निकले होते हैं, ब्रश के आया ना, फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू। यानी बोलना चाहिए जो फिमरी है, जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या में हेल्प करेंगे, ये ये चट्टान है ना, जब ये बह रहे होते हैं ना, पानी में बह रहे होते हैं, तो जो आसपास चट्टान पाए जाते हैं उससे ये चिपकने में सहायता करते हैं। कौन चिपकने में सहायता करेगा, जो फिमरी है वो चिपकने में सहायता करता है ना, और होस्ट टिश्यू से भी चिपकने में कौन सहायता करेगा, एक्चुअल में पिलाई और फिमरी दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये रॉक्स और जो होस्ट टिश्यू है उससे क्या करेंगे, ये अटैच होने में ये हेल्प करेंगे, आया ना। तो देख सकते हैं जो फिमरी है ये कंपेरेटिवली छोटा है और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं बैक्टीरिया सेल में, और जो पिलाई है वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन फ्लैजिला सबसे बड़ा होता है, ये मोटेलिटी में हेल्प करेगा बेटा, ये मोटेलिटी में हेल्प करेगा, मोटेलिटी यानी समझ गए, तैरना। बैक्टीरिया सेल तो चल तो सकता नहीं है, तो तैर तो सकता है ना पानी में, आया ना। तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया को मोटाइल, और नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं है नॉन मोटाइल है, आ चलाए मान, आया ना, ये आपका फिमरी हो गया और ये पिलाई हो गया, समझ में आ गया, फिमरी किसको बोलते हैं, पिलाई किसको बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइबोसोम नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, तो ये आपका सामने नजर आ गया राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है, क्योंकि 17S टाइप का होता है, ठीक है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द हेल्प प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा, दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर साइज इन साइज एंड दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, 50S एंड 30S यूनिट्स, विच वेन प्रेजेंट टूगेदर फ्रॉम 17S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यानी इनका जो साइज है, इनका जो आकार है वो 15 से 20 नैनोमीटर का है बेटा, NM यानी नैनोमीटर, और ये दो उप इकाइयों की यानी दो सब यूनिट्स का बना होगा, एक 15S और एक 30S, जो S है वो स्वेडबर्ग यूनिट होता है, विच वैन प्रेजेंट इन टूगेदर, जो दोनों एक साथ मिलकर 17S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाते हैं। ये एक्चुअल में जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओवरलैप होता है, तो जो ओवरलैप होने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाकी हिस्सा है वो अंदर छुप जाता है, तो उसका जो 10 पार्ट है, क्योंकि 50 + 30 क्या होता है, 80 होता है, लेकिन जो इसका आधा हिस्सा है, मान चलिए जो ये वाला हिस्सा, ये अगर इसका 10S है तो ये क्या होता है, ये छुप जाता है इसके अंदर, इसलिए हमको केवल और केवल इसका टोटल जब हम करते हैं तो ये केवल केवल हमको 17S टाइप का दिखता है, ठीक है। तो मैथ्स में 50 + 30 80 होता है, लेकिन बायो में नहीं होता, 50 + 30 17S होगा, ये बायोलॉजी है बेटा, ठीक है, मैथ्स से डिफरेंट है, ओके। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम वह स्थल है जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम आर मे अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। यानी क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एक आरएनए जिसको बोलते हैं mRNA, उसके ऊपर एक के बाद एक पाए जाते हैं, राइबोसोम एक के बाद एक पाए जाते हैं, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा पॉलीजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं, या फिर
पॉली राइबोसोम बोलते हैं, पॉली राइबोसोम, पॉली यानी बहुत सारे और राइबोसोम यानी राइबोसोम, हाँ या ना, है ना। ये जो रस्सी का नाम क्या है, ये mRNA है, ये क्या है, mRNA, और mRNA पर राइबोसोम एक के बाद एक के बाद एक पाए जाते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम या पॉली राइबोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है जो दो इकाइयों का बना होता है, 15S और 30S, दोनों मिलकर आपस में 17S का राइबोसोम बनाएंगे, दोनों मिलकर, ठीक है, ध्यान देंगे। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट mRNA इनटू द प्रोटीन। तो ये जो पॉलीजोम है कुछ और नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में जब mRNA पर राइबोसोम अटैच होते हैं तो ये कुल मिला के क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण कर रहे होते हैं, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर नेक्स्ट क्लास से हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, यानी कुछ रिजर्व मटेरियल्स भी होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी कुछ संग्रहित, है ना, कोल्ड स्टोर प्रोडक्ट भी होते हैं, संग्रहित पदार्थ भी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, फूड प्रोडक्ट होते हैं, इनको एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, कहाँ गया हमारा पे, इनको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको एक साथ मिला के इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, हाँ या ना। एक्चुअल में क्या है, ये रिजर्व मटेरियल होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ये रिजर्व मटेरियल ज़्यादातर ये फूड होते हैं, इसमें पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें। दे आर नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन या किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते, लाइफ फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, है ना। ये क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल है इसका फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, यानी फॉस्फेट की कणिकाएं हो सकती है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन कणिकाएं हो सकती है, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियल सेल जो कि फोटोसिंथेटिक सेल है, जैसे कि पर्पल और जो ग्रीन बैक्टीरिया है, उनमें गैस वैक्यूल पाया जाता है, गैस वैक्यूल भी एक प्रकार का क्या है, इंक्लूजन बॉडी ही है ना। तो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन यानी नील हरित, और पल्पर बैक्टीरिया में, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल भी यानी गैस की बनी धानी भी आपको मिलेगी, समझ पा रहे, देखना है आपको स्ट्रक्चर एक बार, है ना, दिखा देते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा कहाँ गया हमारा, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये सब जो दिख रहे हैं, है ना, इसमें से कुछ तो राइबोज, और इनमें से कुछ क्या है, क्या है, इनमें से कुछ जो है वो क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है, ये एक्चुअल में क्या है, कुछ इनमें से कुछ क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है, यानी अंतर्विष्ट पिंड है ना, हिंदी में लिखता है अंतर्विष्ट पिंड, यानी इंक्लूजन बॉडीज है, हाँ या ना, इंक्लूजन क्या है, बॉडीज है, आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है या नहीं, क्लियर है मतलब, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले के रखें, लेक्चर में बने रहें, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरी बात करेंगे, धीरे धीरे करके हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है, और हम किसी भी माध्यम से हमको परेशानी तो हो रही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और बस पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर किसी इमारत को खड़े करना है ना, किसी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो उसके नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर आज अपने नींव को मजबूत कर लेंगे तो आप जरूर बहुत आगे जाएंगे और बहुत सफल हो पाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक आपका जो नींव है वो है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब तक आप सेल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप बायोलॉजी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, डीपली नहीं समझ पाएंगे, या फिर समझ पाएंगे तो आप उतनी गहराई से नहीं सोच पाएंगे जितनी गहराई से आपको अब समझ में आने वाला है, जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद जब आप आगे की बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। बस मेहनत करते रहना है रोज, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, और इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, मानवता के लिए हमको आज पढ़ना होगा बेटा, आज पढ़ना होगा, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं कि
हम खुद का बिजनेस डाल सकें, उस बिजनेस में हमारे माँ बाप इन्वेस्ट कर सकें, तो हमारे पास केवल एक ही सहारा है अपने भविष्य को बनाने का, अपने जीवन को बनाने का, अपने सारे सपनों को पूरा करने का, तो वो एक सहारा है आपका पढ़ाई, है ना। इस उम्र में आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो बेटा लाइफ में क्या होती है कि आपका हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन माता सरस्वती आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती, ठीक है। अगर आप आज के दिन में अगर आप इनके अच्छे से भी पढ़ लेते हैं, तो आप एक समय ऐसा आ जाएंगे कि आप इसको पढ़ा लेंगे, है ना। आप खुद के कोचिंग में आप इसको पढ़ा सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से आज पढ़ लिया तो, और आप अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बिजनेस, एक आप तो एक बिजनेसमैन बन गए ना फिर, तो एक बिजनेस ही तो है ये प्रकार का। लेकिन लोगों की सेवा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई हमको उनको भी देना है जो उनके लायक हैं, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता बेटा, पैसे के बाद भी कुछ चीज़ें होती है जिसको हम पुण्य बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, सी यू।